हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में और जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है इंडिया के। आज हम लोग सीजन्स के बारे में जानेंगे। इंडिया बेसिकली हैज़ फोर डिफरेंट सीजन्स, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। सो हेयर वी कैन सी कि मानसून का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया में, एंड ये साल के बहुत लंबे समय तक यहाँ प्रिवेल करता है और इंडिया के क्लाइमेट को किसी ना किसी तरह से इफ़ेक्ट करता है। सो द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के नाम से भी जानते हैं, ये दिसंबर में या नवंबर एंड में शुरू होता है और मार्च तक कंटिन्यू करता है। तो चलो और पढ़ते हैं इस सीज़न के बारे में। दिस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द सीज़न। दिस इज़ अ सीज़न जब हमें बहुत ठंड लगती है, और जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको बहुत ठंड लगती है, लेकिन साउथ इंडिया में रहने वाले लोग काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंसिंग द ओशनिक इन्फ्लुएंस, उनका विंटर्स बहुत एक्सट्रीम नहीं होता। लेकिन नॉर्थ इंडिया में विंटर्स बहुत एक्सट्रीम होता है, वी फील वेरी कोल्ड आउट हियर। तो लेट्स सी कि अर्थ का पोजिशन सन के चारों तरफ कहाँ है होगा जब विंटर होगा। सो दिस इज़ द पोजिशन। Here is the northern hemisphere, you can see is away from the sun, right? So this is the time when we experience winter. If you see the location, northern hemisphere mein hai India, Tropic of Cancer is passing, so we experience winter when northern hemisphere is away from the sun. Jab hum sun se dur hote hain to yahan winter hota hai. So let's see ki winter cold weather season ke characteristics kya hai. We experience clear sky, pleasant weather, low temperature, temperature कम होता है और humidity भी, high range of temperature and slow northern winds. So these are the basic characteristics of a cold weather season. So let's see कि temperature का क्या condition होता है cold weather season में. So children, northern part of the country above the Tropic of Cancer experiences मीन टेम्परेचर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कितना टेम्परेचर होता है, बिलो 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है नॉर्थ इंडिया में, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, सबसे ठंडा जो मंथ होता है वो है जनवरी, जब टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। टेम्परेचर गंगा प्लेन्स में, दिस इज अ गंगा प्लेन, हेयर द टेम्परेचर वैरीज फ्रॉम 12.5 टू 17.5 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज टेम्परेचर है। टेम्परेचर कुछ जगहों पर बहुत कम होता है, कुछ जगहों पर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये एवरेज है। एवरेज टेम्परेचर वैरीज फ्रॉम 12.5 टू 17.5 डिग्री सेल्सियस। द सदर्न पार्ट, जब गंगा प्लेन में इतना कम टेम्परेचर है उसी समय सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिमेन्स वार्मर, साउथ इंडिया जो है काफ़ी वार्म रहता है एंड डजेंट एक्सपीरियंस डिस्टिंक्टली डिफाइंड विंटर सीजन। यहाँ पे साउथ इंडिया में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होता। द आइसोथर्म ऑफ 20 डिग्री, सो चिल्ड्रन आइसोथर्म आर द इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस विद इक्वल टेम्परेचर, तो यहाँ पे 20 डिग्री वाला जो आइसोथर्म है वो लगभग पैरेलल जाता है, लगभग पैरेलल विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्लाइमेटिकली इंडिया को डिवाइड कर देता है। ऑलराइट, सो दिस शोज अ क्लाइमेटिक डिवाइड बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। The temperature remains more than 21 degree Celsius below the Tropic of Cancer. अगर हम Tropic of Cancer के नीचे की बात करें तो temperature 21 degree, it remains more than 21 degree Celsius. और southern part तक जाते जाते you can see the temperature becomes about 25 degree Celsius. तो South India काफ़ी गर्म होता है North India के मुकाबले winters में। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी द प्रेशर एंड विंड्स। हमने टेम्परेचर के बारे में जान लिया और ये जाना कि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम है कंपेयर टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया इक्वेटर के नज़दीक है और ओशन के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो नहीं होता। इफ़ वी टॉक अबाउट प्रेशर, तो लो टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया में,
इससे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है. इंडिया, नॉर्थ इंडिया में है लो टेम्परेचर. ये लो टेम्परेचर गिव राइज टू हाई प्रेशर. हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है. विंड स्टार्ट ब्लोइंग. अब हवा जो है, विंड स्टार्ट ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो लैंड में हो गया हाई प्रेशर, विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी. इट विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, क्योंकि लैंड में है हाई प्रेशर, जबकि सराउंडिंग ओशन जो है वहां पे है लो प्रेशर. नाउ दिस रिजल्ट इन द ब्लोइंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओवर द कंट्री. अब यहां नॉर्थ ईस्ट से विंड ब्लो करने लगता है पूरे देश में, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लैंड पे है हाई प्रेशर और सराउंडिंग ओशन में उसी समय है लो प्रेशर, और विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो चिल्ड्रन, दिस इज व्हाई विंटर्स में जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड स्टार्ट ब्लो, एंड वी कॉल इट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. दे ब्लो, दिस विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट कॉज मच रेनफॉल. चिल्ड्रन, ये क्यों नहीं बारिश करते हैं? क्योंकि ये लैंड से सी के तरफ जाते हैं, तो ये ड्राई विंड्स होते हैं. द विंड्स आर ड्राई. ऑल राइट, जो विंड सी से लैंड की तरफ जाते हैं वो मॉइस्चर लेडन होते हैं, उनमें काफ़ी मॉइस्चर होता है. लेकिन जो लैंड से सी की तरफ ब्लो करते हैं उनमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता, एंड दैट्स वाई दे आर ड्राई. लेट्स सी द प्रेसिपिटेशन. तो हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में और विंड्स के बारे में. तो देखते हैं बारिश कितनी होती है विंटर्स में. द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. तो चिल्ड्रन, अभी हमने बात की कि विंड जो है वो ड्राई होता है, उसमें वो मॉइस्चर लेडन नहीं होता क्योंकि वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करता है. लेकिन फिर भी बारिश होती है क्योंकि कुछ समय के लिए वो द विंड ब्लो ओवर बे ऑफ बंगाल. तो जब विंड बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ब्लो करता है तो इट पिक्स अप मॉइस्चर. देखो, सी द विंड इज ब्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, सो इट पिक्स अप मॉइस्चर एंड कॉजेज रेनफॉल इन तमिलनाडु, सदर्न आंध्र प्रदेश, सदर्न साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ केरला. सो साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में बारिश होती है बिकॉज ऑफ दिस विंड, क्योंकि ये विंड थोड़े समय के लिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है और मॉइस्चर कलेक्ट करता है. सो चिल्ड्रन, वी कॉल दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून, कॉजिंग विंटर रेनफॉल इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला. मैक्सिमम सीजनल रेनफॉल इज अबाउट 75 सेंटीमीटर बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर. तो ये जाड़े के दिनों में यानी विंटर्स में जो बारिश होती है वो 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता. और सारी बारिश जो है ऑल अलॉन्ग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है कर्नाटका और केरला में. सो स्टूडेंट्स, विंटर रेनफॉल के अलावा जाड़े में यानी विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण भी प्रेसिपिटेशन होता है इंडिया में, लेकिन ये प्रेसिपिटेशन इंडिया के दूसरे हिस्सों में होता है. कहाँ होती है बारिश इंडिया में, इसको जानने से पहले चलो हम जानते हैं व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और वी ऑल्सो कॉल इट वेस्टर्ली डिप्रेशंस. तो वेस्टर्न नाम से ही पता चलता है, वेस्ट से आ रहा है यानी इंडिया के वेस्ट से आ रहा है, कहीं दूर वेस्ट से इंडिया तक पहुंच रहा है, और ये किसी तरह का डिप्रेशन यानी लो प्रेशर जोन है. तो डेफिनेटली वी नो कि इंडिया में लो जैसे लो प्रेशर अगर जोन है, कंपैरेटिवली लो प्रेशर है, जो कि मेडिटेरेनियन सी में उसी समय विंटर्स में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा. ऑलराइट, तो मेडिटेरेनियन सी से विंड ब्लो करेगा इंडिया के तरफ एंड इट कॉजेज रेनफॉल. ये पूरा ट्रैवल करता है थ्रू ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड रीचेज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थोड़ी बहुत बारिश होती है बिकॉज ऑफ द विंड्स कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी. दीज आर पॉपुलरली नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और वेस्टर्ली डिप्रेशंस. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और वेस्टर्ली डिप्रेशंस आर shallow cyclonic depression that originate over the Mediterranean Sea.
तो मेडिटेरेनियन सी जो कि एक मॉइस्चर का हब है, वहाँ से ये विंड ब्लो करना शुरू करता है एंड दे ट्रैवल ईस्ट वर्ड अक्रॉस वेस्ट एशिया, और मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट एशिया की तरफ मूव करता है, ईरान, अफगानिस्तान, यू कैन सी इन द मैप, पाकिस्तान, और फाइनली रीचेस इंडिया। इंडिया में पहुंचता है और यहाँ भी बारिश करता है। ऑन द वे द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेज एज दे क्रॉस द कैस्पियन सी एंड द पर्शियन गल्फ। मेडिटेरेनियन सी से गुजरने के दौरान जब वो पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी से होकर गुजरते हैं, ये रहा कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ, देन दे अब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे व्हेन दे रीच दे कॉज लिटिल बिट ऑफ रेनफॉल इवन इन विंटर्स। सो दीज डिस्टर्बेंसेस कॉज लिटिल रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न, यू कैन सी द रीजन, यहाँ पे बारिश होती है, दिस पार्ट ऑफ इंडिया। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जाते बारिश कम हो जाती है, इट रिड्यूसेस। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑल्सो गेट्स रेनफॉल, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश होती है, और ये यहाँ बारिश होती है अरुणाचल प्रदेश और आसाम में। ऑलराइट, सो हेयर वी हैव द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी बारिश होती है और रेनफॉल इज अबाउट 50 सेंटीमीटर। सो चिल्ड्रन, दिस रेनफॉल इन विंटर इज कॉज बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जबकि साउथ इंडिया में रेनफॉल जो था इट वॉज कॉज बाई नॉर्थ ईस्ट मानसून। सो दीज आर टू डिफरेंट कॉजेस, कारण अलग है लेकिन विंटर्स में ही बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, एंड ऑल्सो इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ चिल्ड्रन, दिस विंटर रेनफॉल इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को करके कल्टिवेशन में बहुत हेल्प मिलता है ड्यूरिंग विंटर, एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप इज वीट। देर आर सेवरल अदर एग्जाम्पल्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन वी आर डन विद द कोल्ड वेदर सीजन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सीजन इन इंडिया, दैट इज द हॉट वेदर सीजन। दिस इज एक्सपीरियंस फ्रॉम मार्च टिल मे, यानी 3 मंथ्स के लिए ये सीजन प्रिवेल करता है, द सीजन दैट इज द हॉट वेदर सीजन। सो दिस इज द ड्यूरेशन। लेट्स सी इन इंडिया, द लोकेशन ऑफ इंडिया विच इज इन द नदर्न हेमिस्फेयर, अब ये नदर्न हेमिस्फेयर इज टूवर्ड्स द सन। सो लेट्स सी द टेम्परेचर कंडीशन। नाउ हियर द अर्थ, दैट मीन्स द नदर्न हेमिस्फेयर इज स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स द सन, और यहाँ शुरू होता है द हॉट वेदर सीजन इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च से ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और मैक्सिमम चला जाता है बाय द एंड ऑफ मे। इसके बाद शुरू होता है रेनी सीजन, दैट इज फ्रॉम जून। तो हम लोग यहाँ मार्च से मई के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं जिसके कारण कि उसके बाद का सीजन यानी रेनी सीजन स्टार्ट होता है। मार्च में हाईएस्ट डे टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है डेक्कन में, इन द डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस। इन अप्रैल द हीट बेल्ट मूव फर्दर नॉर्थ, जो हीट बेल्ट है वो डेक्कन से और ऊपर की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ऑलराइट, एंड द एवरेज टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस, यानी एवरेज टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चला जाता है। इन मे द हीट बेल्ट्स मूव फर्दर नॉर्थ, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का, वहाँ टेम्परेचर हो जाता है 48 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कॉमन है। सो चिल्ड्रन यू कैन सी यहाँ जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ऑलराइट, दिस इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट हीट ऑफ द सन कमिंग इन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। टेम्परेचर देख लिया हमने, लेट्स सी द प्रेशर एंड विंड्स। वेरी हाई टेम्परेचर गिव्स राइज टू लो प्रेशर। तो इंडिया के नॉर्थ में हमें लो प्रेशर एक्सपीरियंस करने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट में, दिस इज एंड इवन द नॉर्थ इंडियन प्लेन, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। एंड वी हैव लर्न चिल्ड्रन कि विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब यहाँ लैंड पे हो गया लो प्रेशर और सराउंडिंग ओशन में हो गया है हाई प्रेशर,
तो डेफिनेटली अब विंड कहाँ से ब्लो करेगा, इट विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड. लेट्स सी मोर. द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, अब यहां पे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं दे विल क्रॉस द इक्वेटर एंड दे विल एंटर इंडिया एज साउथ वेस्ट मॉनसून. ठीक है, तो ये स्टेज रेडी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ मे, ताकि जून से बारिश शुरू हो सके. तो बाय फ्रॉम मार्च अप्रैल एंड मे, इन तीन महीनों में जो हॉट वेदर सीजन है, एक प्लॉट तैयार हो जाता है इस सीजन के दौरान कि जून में रेनी सीजन स्टार्ट हो सके. नाउ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स दैट ब्लो इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया. चिल्ड्रन आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करता है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है एंड इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन. इसलिए इसका नाम रखते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मानसून. नाउ चिल्ड्रन लेट्स प्रोसीड. द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंटर इंडिया एंड मार्क द एंड ऑफ द हॉट वेदर सीजन. तो यहाँ मई के अंत तक ये प्लॉट तैयार हो जाता है. ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में दैट द विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड. चिल्ड्रन देर आर सम लोकल विंड्स दैट इफेक्ट डिफरेंट लोकली, ये इनका इम्पैक्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में. तो लेट्स लर्न अबाउट इट. पहला है काल बैसाखी. इन बंगाल दे आर नोन बाय दिस नेम बिकॉज ऑफ द मीनिंग. इसका मीनिंग है काल बैसाखी का मतलब है कैलामिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख, बैसाख के महीने में आने वाला कैलामिटी. इसलिए ये एक लोकल स्टॉर्म है एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज काल बैसाखी. दीज विंड्स आर अकंपनीड बाय थंडर स्टॉर्म एंड ब्रिंग रेनफॉल. In the month of April and May, the rain is actually good for tea in Assam and rice and jute in West Bengal. So this is also helpful for the cultivation of tea in Assam and for the cultivation of rice and jute in Bengal. The next local wind we can talk about is Lu. It is a hot, dry local wind that blows particularly over the नदर्न पार्ट ऑफ और नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. टेम्परेचर ये बहुत बढ़ा देता है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है एंड इट कैन कॉज सन स्ट्रोक विच माइट बी फेटल. सो इट्स कैन बी अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ड्यूरिंग दीज मंथ्स व्हेन द लू इज ब्लोइंग ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन. तो कौन कौन से स्टेट्स को इफेक्ट करता है? बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. The next is the mango shard. So the name itself says must be beneficial for the growth of mangoes. So this wind blow over South India during April and May and they bring little rainfall. So the little rainfall is very good for mango, tea and coffee in South India. So students, that's all about the seasons in India. That is, we learned today about the cold weather season and the hot weather season in India. We'll learn about the rest of the two seasons in the next class. Till then, thank you.